हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल. टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ अवर फिफ्थ चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो हैं, हमारे जो फिफ्थ चैप्टर है, व्हाई डू वी नीड वाटर, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे से एक सही ऑप्शन जो है उसे चूज करना है. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग. इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो हमें पीने के लिए, नहाने के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ होती है या ज़रूरत होती है उसकी. तो मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, वाटर और लेमन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल पीने के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए करते हैं? वाटर. वाटर वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. इनमें से कौन सा जो है मेन सोर्स है वाटर का? स्नोफॉल, रेन, ओशन एंड रिवर्स. इनमें से कौन सा है? जी बिल्कुल राइट, रेन. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वाटर बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड. जो पानी अर्थ सरफेस के नीचे बहता है या नीचे चला जाता है, या उसे हम क्या कहते हैं? रेन वाटर, स्ट्रीम वाटर, पॉन्ड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर. क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वी शुड ड्रिंक डैश एंड फिल्टर वाटर. हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए? फ्रीज्ड पानी, डर्टी मड और प्योरीफाइड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी या फिर शुद्ध पानी. किस तरह का पानी पीना चाहिए हमें? प्योरीफाइड वाटर, प्योरीफाइड एंड फिल्टर वाटर. वी मस्ट नॉट डैश वाटर. हमें पानी का क्या नहीं करना चाहिए? यूज़ नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. नन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए. क्या करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द आइटम शो इन इट. यहाँ पे पिक्चर देखिए और इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? थर्मामीटर, विंड वैन, वाटर प्योरीफायर और वाटर टैंक. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? वाटर प्योरीफायर. ये क्या है? वाटर प्योरीफायर है जो हमारे घर के किचन्स में लगा होता है. तो ये क्या है? वाटर प्योरीफायर. ये थे हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ड्स दे रखे, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको यहाँ पे फिल करना है. जो फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपको जो बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, इनकी हेल्प से फिल इन द ब्लैंक फिल करना है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, इनमें से कौन सा जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है? रेन. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? रेन. नेक्स्ट है हमारा, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट. किसके बिना जीवन जो है पॉसिबल नहीं है? किसके बिना? ओवरहेड, फिल्टर और वाटर. यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, वाटर. वाटर के बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. द रेन वाटर इज एंड प्योरीफाइड बिफोर बींग यूज. जो रेन वाटर होता है उसको यूज़ करने से पहले क्या करते हैं? फिल्टर्ड. क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं. द रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड बिफोर बींग यूज्ड. यूज़ करने से पहले उसे फिल्टर और प्योरीफाइड किया जाता है. फिर है इन सिटीज़ द वाटर इज स्टोर्ड इन. जो सिटीज़ में यानी शहरों में जो पानी है उसे कहाँ स्टोर किया जाता है? ओवरहेड टैंक्स. कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ओवरहेड टैंक.
बड़ी बड़ी टंकियों में इस पानी को स्टोर किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए एफ लिखना है। जैसे वी नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट, हमें पौधों को पानी देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्या होती है? हाँ होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टी क्या कर देंगे, टी, क्योंकि प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है इसलिए। फिर है हमारा, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का जो मेन सोर्स है वो बारिश है, बिल्कुल सही। क्या है, इसमें भी टी आएगा क्योंकि ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर है हमारा, हेड पंप आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर, जो हेड पंप है वो है ना अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। यस, ये भी इसमें भी क्या आएगा, हमारे ट्रू आएगा। फिर है, वी शुड यूज़ डर्टी वाटर, हमें गंदा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। बताइए आप लोग, क्या हमें गंदा पानी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हमें गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एफ, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अनस्क्रम्बल द फॉलोविंग। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इन पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पे जो जंबल वर्ड्स दे रखे हैं इनको सही जमा कर इन पिक्चर्स का नेम बनाना है। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है PUMPDANH, इसको सही से जमाएंगे तो इस पिक्चर का नाम बन जाएगा। तो आपको यहाँ किसकी पिक्चर दिख रही है, वॉट इज़ दिस, दिस इज़ अ हेड पम्प, ये क्या है, एक हेड पम्प है। तो ये क्या बनेगा, इसका नाम लिखेंगे हम हैंड पम्प, क्या लिखेंगे, हैंड पम्प, MP हेड पम्प, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम हैंड पम्प लिखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉट इज़ दिस, दिस इज़ अ टैप, क्या है, ये नल है, टैप है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैप। फिर अब देखिए यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, यहाँ क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो दिस इज रेन, क्या है ये, रेन, यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, दिस इज रेन। अच्छा आप ये बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सन है, पहाड़ है, और ये क्या है, स्ट्रीम है, क्या है ये, छोटी सी नदी है, स्ट्रीम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्ट्रीम। तो यहाँ हमने क्या लिखा, स्ट्रीम। तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को पहचान कर इनकी सही स्पेलिंग बनानी है, इनका सही नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ करे हैं आज, आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बुक में सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग अपनी बुक में ही इसे सॉल्व करेंगे, नोटबुक में नहीं। और अच्छी तरह से आप इसको करिएगा, बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग में, अपना ख्याल रखिएगा। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, एंड टेक केयर, एंड बाय बाय।